स्वागत है आपका पवित्रा किचन में। दोस्तों मैं हूँ पवित्रा। आज हम बनाएंगे साबुदाना पापड़ बनाएंगे। पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पवित्रा नागोरकर। तो चलिए बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसे मैंने पानी उबालने के लिए रखा है साबुदाना पापड़ बनाने के लिए। तो साबुदाना लिया है मैंने 150 ग्राम जितना, इसे रात को ही भिगो कर रखा था। तो आपको बता दूं कैसे भिगोना है। पानी में आप आधे घंटे के लिए साबुदाने को रख दीजिए या फिर धोकर ऐसे ही रख दीजिएगा, सुबह देखेंगे तो वो फूल जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिखेगा क्योंकि इसे फिर से धो लिया है। तो इस पानी गर्म होते ही हम साबुदाने को पानी में डालेंगे। तो 150 ग्राम साबुदाना है, पानी करीबन 1.5 लीटर जितना है पानी। तो साबुदाने के पापड़ बना रहे हैं तो साबुदाना बहुत ही स्टिकी रहता है, यानी इस पे स्टार्च बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, इसीलिए पानी को ज़्यादा ही डालना चाहिए। हम पापड़ डाल रहे हैं पर ज़्यादा पतला पापड़ नहीं बना रहे, वो थोड़ी सी थिक होती है ना, उस तरह का पापड़ बना रहे हैं। तो पानी गर्म हो चुकी है, इसमें अभी साबुदाना डालेंगे। उससे पहले मैं बता दूं इसके लिए 2 आलू लिए हैं, 400 ग्राम जितना आलू है ये। तो साबुदाने को डाल देंगे इस पानी में। दोस्तों इसे डालते ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि नीचे ना बैठ जाए, और बार बार इसे ऐसे ही हमें मिक्स करते रहना है। तो साबुदाना जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें डालेंगे आलू। तो 2 आलू जो दिखाया था उस आलू को छील रहे हैं यहाँ पर, तो इस आलू को छील कर ही डालेंगे साबुदाने में। देखिए दोस्तों साबुदाने में अच्छे से उबल आने लगी है, ये अभी पक कर बिल्कुल स्टार्च छोड़ देगा और बिल्कुल स्टिकी बन जाएगा, बिल्कुल थिक बन जाएगा ये। इसमें नमक डाल दिया करीबन 1 टीस्पून जितना, तो पहले थोड़ा ही डालिएगा, बाद में आप देखकर चेकर कर डाल सकते हैं। कप जितना सूजी है करीबन 50 ग्राम जितना होगा, उससे भी थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। इसे डाल देंगे इस साबुदाने में और इसे पटक से हमें इसे मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये स्टिक एक दूसरे को चिपक गया तो पापड़ अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी डाल रहे हैं आलू जो छीले थे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबुदाना का पापड़ बनाने के लिए ये मिक्सचर जब रेडी हो जाएगा तो हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले गरम गरम ही हमें नहीं डालना है क्योंकि इसे हम कपड़े के ऊपर नहीं डालेंगे दोस्तों, इसे डालेंगे प्लास्टिक के कवर में। तो कपड़े इनके ऊपर डालेंगे ना तो वो नहीं निकलेगा। जीरा को जो मैंने दिखाया था उस जीरा को धो लिया है, तो जीरा को डालेंगे इसमें। तो ये थोड़ा सा कलर छोड़ेगा, आप कितने भी धो लीजिएगा कलर तो ये थोड़ा सा छोड़ेगा ही। तो ये हो चुका है दोस्तों, अब इसे गैस को ऑफ करेंगे, ढककर रख देंगे इसे। तो जब ठंडा होगा ना, जब हम इसका पापड़ डालेंगे छत पर डाल जाकर, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो चुका है। अभी जब गर्म था बिल्कुल पतला था, अभी ये गाढ़ा बन चुका है। तो अभी यहाँ पर डाल रहे हैं तो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, तो ये पापड़ जो ये सूख जाएंगे ना, हम फ्राई करेंगे, उस फ्राई करने के बाद बिल्कुल मोटे बन जाएंगे। अभी आपको दिखने में जितना लग रहा है ना, फ्राई करने के बाद भी इतना ही होगा ये। तो छोटे छोटे शेप में डालेंगे, आप बड़ा शेप में डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसे पापड़ से ज़्यादा हम संडे के कह सकते हैं, तो इस तरह के मोटे जो भी बनाते हैं उसे संडे के कहते हैं। तो आपको पतला पापड़ ही बनाना है तो आप रवा मत डालिएगा, रवे को स्किप कर लीजिएगा, सूजी को स्किप कर लीजिएगा, तो आपको पतले पापड़ मिलेंगे। तो देखिए पूरा हो चुका है, डाल दिया है हमने इसे, इसमें प्लास्टिक कवर में ही हमने डाला है। तो संडे के आप पापड़ भी कह सकते हैं, परंतु ये संडे के है। तो इसे सूखने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको, अभी धूप थोड़ी सी
कम है। अगर धूप अच्छी कड़क रहे तो एक दिन में सूख जाएगा, नहीं तो 2 दिन लगेगी इसे सूखने के लिए। तो इसे पानी वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप ही निकल के आ जाएंगे ये। तो इसे सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सुबह से शाम हो गई है, पापड़ सूख चुके हैं पर ये पूरा नहीं सूखे, तो एक दिन और इसे रखना पड़ेगा। वैसे तो ये ऐसे ही निकल के आएंगे, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कर, ये देखिए। पर ये नीचे का भाग अभी सूखा नहीं है इसलिए ऐसे ही रख देते हैं इसे। ये देखिए, मैंने इसे टोकरी में रख लिया है, इसे नीचे लेके जाएंगे और अगले दिन सुबह फिर से मैं इसे धूप पे रखूंगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। तो साबूदाने के संडिगे जो है सूखने के बाद इस तरह से होते हैं। देखिए पूरा सूख गया है ये, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो मैंने थोड़े से ही पापड़ लिए ताकि सिर्फ आपको फ्राई करके दिखा सकूं मैं। तो यहाँ पर ऑयल को भी मैंने गरम कर लिया है, देखिए। ये देखिए, जब हम डाले थे उस वक्त जितना था, अब फ्राई होने के बाद भी ये उतना ही बना है। इसमें जो साबुदाना दिख रहा है आपको, बिल्कुल फूल कर पापड़ बन चुका है। तो कितना क्रिस्पी बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए, पूरा क्रश करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही क्रिस्पी बना है साबुदाना का ये पापड़।